नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कॉलेज को समझना बहुत ही मुश्किल है। अगर कम पानी डालो तो पत्तियां मुरझा जाती है, ज़्यादा डालो तो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाता है। अगर आप फूलों पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो एक बार बस कॉलेज को ले आएँ अपने गार्डन में, तो ये सर्दी गर्मी पूरी लाइफ टाइम आपके गार्डन में बना रहेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सीजनल फूलों में पैसे क्या खर्च करने, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि कॉलेज को ले आएं। यह हमेशा एक परमानेंट प्लांट है, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। तो मेरे जो कॉलेज के प्लांट थे, मैं उनकी कटिंग लगाने जा रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि गर्मियों की जान है कॉलेज। इसके सुंदर सुंदर जो पत्तियां होती हैं गार्डन में, बहुत ही अच्छी लगती हैं। कि कटिंग लगाऊंगी अब गर्मियों के लिए, एक दो मैंने लगाई भी हैं, वो हो गई हैं अच्छे से। मैं अभी बताऊंगी उनका रिज़ल्ट भी आपको, लेकिन सारे की मैं लगा नहीं पाई। देखो सब कैसे हो रखे हैं, इस तरह से हो रखे हैं सारे ऐसे। तो मैं इनकी भी कटिंग लगाती हूँ अब, यहाँ से इनको सबको हटा दूँगी। और कटिंग अभी मैं पॉट में नहीं लगाऊंगी, मैं ज़मीन में लगाऊंगी कटिंग को, क्योंकि अभी पॉट खाली नहीं है। तो और ये आप देख रहे होंगे कि सारे मैंने जो मेरे तेल के डिब्बे आते हैं ना, मतलब किस मतलब हमारे यहाँ तो खैर टीन का कनस्तर आता है, लेकिन ये मैंने किसी से मांगे हैं और उनमें लगाए हुए हैं सारे। ये कॉलेज देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये मैंने ऐसे ऊन से और रस्सी से बांध के से डाई किया था, यहाँ पे पेंटिंग करी हुई है। इसमें मैंने सब कॉलेज की कटिंग ले ली है अपने, और सारे कॉलेज की कटिंग अब मैं काफ़ी सारी लगा दूंगी। कभी कोई आ जाता है मांगने के लिए कि दे दो, तो सबको देने के लिए भी हो जाएगी, तो सबको लगा दूंगी नीचे इस तरह से। और यहाँ इधर इनको भी तोड़ देते हैं सब। अब ये थोड़ा गंजे गंजे से हो गए हैं सब। और कॉलेज तो हमारे गार्डन में गर्मियों में इतने अच्छे रंग बिखेरता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। कॉलेज के इतने अच्छे अच्छे कलर आते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कलर आते हैं। मेरे पास तो ये 5-6 ही कलर हैं। तो मैं आपको बताती हूँ अभी कि जो मैंने कटिंग लगाई है वो दूसरे कलर का कॉलेज है, तो शायद हो गया होगा। और जो मैंने कटिंग लगाई थी वो इस वाले कॉलेज की है, यहाँ मैंने बर्बीना के साथ ही लगा दी थी कटिंग। कहाँ पर है देखती हूँ। अच्छा, एक तो ये है, देखो कितनी बड़ी हो गई है, और एक यहाँ पे ये है, इसको निकाल के देखती हूँ। आ गई हैं जड़ें, ये देखो जड़ें आई हुई हैं कितनी अच्छी से। दूसरे को भी निकाल कर देखती हूँ कि दूसरे में कैसी जड़ आई हुई है। बर्बीना फैल गया ना, तो इनको भी फैलने की जगह नहीं मिली है। यहाँ देखो जड़ें आ गई हैं, मैं पॉट में लगा दूंगी इनको, दिख रहा होगा आपको जड़ें आई हुई हैं। यहाँ बर्बीना सारा फैल गया था, और इसमें रेन लिली भी लगी हुई है, तो इनको फैलने की जगह नहीं मिली। और मैंने ये भी लगा रखी है, अब मैं सीधे पॉट में ही शिफ्ट करूँगी इनको जब पॉट वो हो जाएगा। ये दूसरे कलर का कॉलेज है, बहुत ही प्यारा, जब पॉट खाली हो जाएंगे तब लगाऊंगी। और यहाँ कटिंग से कुछ ही दिन हुए हैं अभी इनको लगाए हुए, बस देखो ऐसे मैंने लगा दिए थे, कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। कॉलेज बहुत जल्दी हो जाता है कटिंग से, बहुत ही जल्दी। और यहाँ मैंने इनके सबके जो बहुत एक्स्ट्रा बहुत बड़े बड़े पत्ते थे वो सब हटा दिए हैं। और ये मेरे चार तरह के कॉलेज हैं, मैं इनकी कटिंग लगाने जा रही हूँ। और कि मैंने लगाई है, मैंने आपको बता भी दिया है कि उनका रिज़ल्ट कि वो कटिंग अच्छे से हो गई थी, तो मैं अब पॉट खाली होंगे तो उन्हें लगा दूँगी। इन चारों को मैं, इन्हें अभी पॉट खाली नहीं है तो ज़मीन में ही लगाऊँगी मैं कटिंग, और ग्रुप में लगाऊँगी। अभी मैं आपको आगे बता दूंगी कि मैं कैसे लगाऊंगी। जैसे मतलब ये कॉलेज है इस तरह का, तो इसे एक साइड में और इसे एक साइड में, इसे एक साइड में, कि मैं एक तरह की कटिंग को एक साइड से ही लगाऊंगी।
सबको जैसे यहाँ पे से लगा दिया है। और मैं इनका आपको रिज़ल्ट भी बताऊंगी, अभी नहीं जब हो जाएंगे तब। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और हमारी सारी कटिंग लग चुकी हैं सब, इनमें से कोई किसी को तो मैं नीचे भी लगाऊंगी, क्योंकि गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं कॉलियस, कलरफुल। फूल ना भी हों तो फूलों की कमी महसूस नहीं होने देते कॉलियस। और कॉलियस छोटे छोटे पॉट में भी बहुत आराम से हो जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ अलग तरह के कॉलियस, ये मेरे पापा के घर में है, मैं वहाँ गई थी तो उन्होंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी थी। मेरे पापा मुझे मना कर रहे थे कि इनको मत निकाल, अभी ये हुए नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें लगाए हुए अभी बस 2-4 दिन ही हुए हैं। लेकिन मुझे ये कॉलेज चाहिए था, मेरे पास था नहीं, तो मैंने इनको, मैं तो चुपके से ला रही थी, लेकिन देखो इनमें जड़ें आ गई, मेरे पापा ने देखा नहीं, मैं चुपके से ले आई। कॉलेज को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप एक बार लगाते समय डाल देंगे अच्छे से फर्टिलाइज़र, तो अच्छे से हो जाता है। देख रहे होंगे आप कि दोनों में बहुत अच्छे से जड़ें आई हुई हैं। और इसको आप सेमी सेड में ही रखें, डायरेक्ट मैं तो इन्हें डायरेक्ट धूप में नहीं रखती, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत ही जल्दी इनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। और ये भी मेरा एक डाई प्लांटर है जिसमें मैं ये लगा रही हूँ, और अब तो ये काफ़ी, मैंने इसे कुछ दिन पहले लगा दिया था, ये कुछ दिन पहले का वीडियो है, तो अब तो ये अच्छा हो गया है मेरा कॉलेज प्लांट। और मेरे पापा और के यहाँ मैंने जाके देखा था, उनके सिर्फ दो ही, इतनी सारी कटिंग में से सिर्फ दो ही पौधे बचे हुए हैं। और गर्मियों में कॉलेज से पानी का खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो इसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी, और ज़्यादा पानी डालेंगे तो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा ही है कि कॉलेज को समझना बहुत ही मुश्किल है, तो आपको इसे देखकर ही इसकी देखभाल करनी होगी कि इसे कब पानी चाहिए कब नहीं चाहिए। वैसे मैं तो अपने सारे कॉलेज में गर्मियों में दिन में 2 बार पानी डालती हूँ। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।